नमस्ते मित्रों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं यूएसबी सी टाइप कनेक्टर जो कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स उपयोग करते हैं। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, जो अपना मोबाइल फोन में एक्शन कैमरे में कुछ भी डाटा इंफॉर्मेशन वो वीडियो शूट करते हैं, इसको ट्रांसफर करने के लिए ये कनेक्टर का उपयोग करते हैं। अब आज भी हम लोग देखेंगे कि इस कनेक्टर का उपयोग करके हम कैसे अपने मोबाइल फोन से डाटा ट्रांसफर करेंगे हमारे पेन ड्राइव में या फिर फ्लैश मेमोरी में। सो अभी बिना देर किए हुए हम लोग जाएंगे, देखेंगे वीडियो की तरफ। तो ये देखिए, अगारो टाइप सी यूएसबी 3.0 एडाप्टर ब्लेज सीरीज, और इसके अंदर क्या होता है, अपने आप चार्जिंग भी ये ले लेता है, क्योंकि कोई भी एक कनेक्टर चलने के लिए उसको थोड़ा बैटरी पावर की ज़रूरत पड़ता है, जो अपने ये फ़ोन से ले लेता है, और ये डाटा सिंक भी करवा देता है, और 1 ईयर उसमें वारंटी भी दिया हुआ है। अब बैक साइड हम लोग पढ़ लेते हैं। ये मल्टीपर्पज फंक्शन, स्लिक डिज़ाइन, हाई स्पीड यूएसबी 3.0। आप देखेंगे मैक्सिमम जो यूएसबी 2.0 में सपोर्ट करता है, पर ये यूएसबी 3.0 में भी सपोर्टिंग है, और पावर शेयरिंग भी करता है, तो पावर शेयरिंग फंक्शंस भी है, और मेटल बॉडी, ये जो हमारा कनेक्टर है ये मेटल बॉडी का आता है। मैं देखा हूँ मैक्सिमम जो कनेक्टर होता है वो प्लास्टिक का भी होता है, तो ये हमारा मेटल बॉडी के साथ दिया हुआ है, और प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले में क्या होता है, आप तुरंत ही इसको लगा देने के बाद ही एक्टिवेट हो जाता है, ना कि कोई सॉफ्टवेयर की इसमें आवश्यकता पड़ती है कि ये जो कनेक्टर को चलाने के लिए। तो ये हो गया हमारा, और ये जो यूनिवर्सल कॉरपोरेशन लिमिटेड सिक्किम से है, और ये पूरा और डिटेल दिया हुआ है, ये में जो मॉडल नेम है ब्लेज सीरीज है, और इसके अंदर एक ही है, और ये 495 का है। ऑफकोर्स ये क्वालिटी भी अच्छा है, और मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट है May 2022, और इसमें आइटम नंबर, आइटम नेम, ये सब दिया हुआ है। देखते हैं अभी इसको खोल के ये कैसे काम करता है। एक कनेक्टर के माध्यम से हम इसको काट देते हैं ताकि इसको हम खोल सके अच्छे से। ये खोलने के बाद फिर इसके अंदर और भी एक पैकेट है, जो ये पैकेट को हम इसे निकाल देते हैं। ये देखिए इससे निकला है, और ये इसका जो कवर है इसको साइड कर देते हैं हम लोग, और ये हो गया हमारा जो यूएसबी सी टाइप कनेक्टर। कितने बढ़िया से पैकिंग करके दिए थे ये। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। अब हम देखेंगे इसको कनेक्ट करके हमारा फ़ोन पे इसको कनेक्ट करते हैं। आप देखिए हमेशा इसी साइड से लगाना है, लगाने के बाद ऐसे कनेक्ट करना है, और मैक्सिमम यूट्यूबर्स भी इसका उपयोग करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन वो लोग ऐसे स्मार्टफोन या फिर अपना एक्शन कैमरा या फिर ऐसे कुछ सिस्टम में वो लोग अपना डाटा को दूसरे के जगह में कॉपी कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं हमारा कुछ डाटा जो हम भेजेंगे, कौन से डाटा को हम लोग भेजेंगे, तो यहाँ से हम कैसे भेजेंगे। तो हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ थे पहले, ये जो फ़ोटोज़ हम इसको अब ये फ़ोन के कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये हो गया हमारा पेन ड्राइव है, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो भी डाटा है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको हम फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे ये फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमारे यहाँ स्टोरेज है, इस स्टोरेज में से हम जाके सिलेक्ट करेंगे इमेजेस, हमारा इमेजेस जो आया हुआ था तो इसको हम भेजेंगे। पहले ये सिलेक्ट कर देंगे इमेजेस को, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी कर देंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी हम लोग को बताना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इसको एक प्लेस दे दिए हैं तो हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे
तो ये जाके हम लोग को दिखाएगा। तो दिखाने के बाद यहाँ पर फिर ये सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे OTG पर। ये OTG में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये जो आया हुआ है फ़ोन स्टोरेज, ये देखिए, अब हम इसको सिलेक्ट करके फिर हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और ये जो OTG है कॉपी ही है। देखिए ये कॉपीड आ गया व्यू। तो अभी हम देखेंगे अपना OTG में, इसमें जो फोटोज हम डाले थे ये वाला, देखिए अब कैसे आ गया। तो इसी तरह का जो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, अपना जो वीडियोस फोटोज ये सब शूट करके, ऐसे ही अपना वीडियोस फोटोज वो सब शूट करके ऐसे दूसरे पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करते हैं, और पेन ड्राइव से फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम डिसकनेक्ट कर देंगे। अब देखिए हमेशा क्या करना है, कोई भी एक जो USB ड्राइव है उसको आप प्रॉपरली, कभी भी OTG को आप ऐसे डिसकनेक्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर ये आपका जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर वो ख़राब होने का चांसेस है। ऑटोमेटिकली इसको ये जो है OTG कनेक्शन उसको आप डिसकनेक्ट कर दीजिए, फिर जाके इसको निकालिए। ये ही है सबसे बढ़िया तरीका, नहीं तो फिर आपका फ़ोन का भी सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकता है। तो ये था आज का हमारा अनबॉक्सिंग अगारो जो OTG और सी टाइप कनेक्टर है तो उसके बारे में। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आपके समक्ष और नए नए गैजेट का अनबॉक्सिंग करते रहेंगे जो कि यूट्यूबर्स में काफ़ी फेमस है। मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो गैजेट्स का उपयोग करते हैं हम उसी का ही अनबॉक्सिंग करते हैं। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।